Assalamualaikum dear students, today I will discuss one of the most important novel that's from the Pakistani literature, The Heart Divided by Mumtaz Shahnawaz. Dear students, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ द हर्ट डिवाइडेड, एक नॉवल जिसे लिखा है मुमताज़ शाहनवाज ने. आज के वीडियो में मैं द हर्ट डिवाइडेड के करेक्टर्स और इसके समरी को डिटेल में डिस्कस करूँगी. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले करेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं. ये टू फैमिलीज जो हैं वो ली गई हैं इस नॉवल में, शेख फैमिली और कौल फैमिली. शेख फैमिली जो थी वो मुस्लिम फैमिली और कौल फैमिली जो कि हिंदू फैमिली थी. शेख फैमिली में शेख निज़ामुद्दीन जो कि हेड हैं और ये ट्रेडिशन को लेके चलते हैं, ट्रेडिशन पर बहुत ज़्यादा बिलीव है इनका. शेख जमालुद्दीन शेख निज़ामुद्दीन के बेटे हैं. शेख फखरुद्दीन भी शेख निज़ामुद्दीन के बेटे हैं. शेख जमालुद्दीन जो हैं वो बाहर से पढ़ के आए हैं, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. एंड देन ये वहाँ पर किसी लड़की में इंटरेस्टेड भी होते हैं, मैरी नाम, और इसकी दो बेटियाँ, एक बेटा होता है और इसकी वाइफ का नाम महरुन्निसा है और इसकी दो बेटियां जोहरा और सुगरा हैं. महरुन्निसा शेख जमालुद्दीन की वाइफ है. शेख जमालुद्दीन ओपन माइंड है, मतलब कि ब्रॉड होता है, अपनी बेटियों पर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं मतलब करता. इसके अलावा जोहरा का बहुत ज़्यादा रोल है इस नॉवल में दिखाया गया है. ये एक वीमेन एम्पावरमेंट को भी शो कर रही हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होती भी है और ये पर्दे वगैरह को फॉलो भी नहीं करती, जो कि ट्रेडिशन वगैरह है ट्रेडिशन को भी फॉलो नहीं करती. और ये हमें नॉवल में नज़र आएगा कि ये टीचिंग भी करती हैं और इनकी नॉवल के एंड पर हमें नज़र आएगा कि शादी भी इनकी हो जाती है अहमद नामी बंदे से. सुगरा भी जो है एक करैक्टर, मेन करैक्टर दिखाई गई हैं इस नॉवल में. सुगरा जो है वो जोहरा से काफ़ी डिफरेंट होती हैं, यानी पर्दा वगैरह को भी फॉलो करती हैं, ट्रेडिशन को भी फॉलो करती हैं और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती हैं. जोहरा जो है ये कांग्रेस को सपोर्ट करती है. हबीब जो है सुगरा जोहरा का भाई और शेख जमालुद्दीन का बेटा है और ये जो है एक हिंदू लड़की में इंटरेस्टेड होता है और इनकी लव स्टोरी जो है वो दरमियान में स्किप हो जाती है, यानी इन दोनों की शादी नहीं हो पाती. अनवरी जो है ये शेख जमालुद्दीन की सिस्टर और शेख निज़ामुद्दीन की बेटी हैं. अख्तरी अनवरी की बेटी हैं. बल्कीस जो है वो शेख फखरुद्दीन की बेटी हैं और बल्कीस और अनवर अख्तरी जो हैं ये दोनों हबीब से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हबीब इनसे करना नहीं चाहता क्योंकि वो मोहनी से शादी करना चाहता है, उसी में इंटरेस्टेड होता है. मंसूर जो है वो सुगरा का हस्बैंड है. एंड अहमद ये जोहरा के साथ शादी करता है, मतलब ये इसमें इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे में और स्टोरी के एंड पर हमें नज़र आएगा कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो मिडिल क्लास से है, मतलब लोअर क्लास से. अहमद इसके फादर जो है वो क्लर्क होते हैं, उनका बेटा. ये थे मुस्लिम फैमिली. अब हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदू फैमिली को. इसमें जो है वो हेड है इनके ज्वाला प्रसाद, जो कि ग्रैंड फादर हैं किसके, मोहनी के. मोहनी भी एक मेन करेक्टर हैं इस स्टोरी में. इनकी डेथ भी हो जाती है इस नॉवल में और ये इंटरेस्टेड होती हैं हबीब में, लेकिन हबीब और इसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये हिंदू थी और हबीब मुस्लिम, और मुसलमान और हिंदू जो है वो एक दूसरे कल्चर लिहाज से डिफरेंस रखते हैं, इसी तरीके से रिलीजस के लिहाज से जो है वो डिफरेंस रखते हैं. सो इन दोनों की फैमिलीज जो हम वो नहीं मानती और ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मेन करेक्टर. अब हम डिस्कस करते हैं समरी को. समरी जो है वो स्टार्ट होती है शेख जमालुद्दीन से. जमालुद्दीन जो है वो टी इन्जॉय कर रहा है कोर्ट से वापस आकर. इसकी बेटियां, ये अपनी बेटी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लेता, मतलब कि ब्रॉड माइंडेड है, कोई इसकी तरफ से रोक टोक नहीं होती उन पर. और ये जो है बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, ये इंटरेस्टेड होता है एक इंग्लिश गर्ल में, मैरी उसका नेम है, इसलिए भी ये ज़्यादा ब्रॉड होता है तो ये कुछ नहीं कहता अपनी बेटियों को. इसकी बेटी जो है जोहरा और सुगरा. जोहरा जो है ये अपने फादर से परमिशन लेती है कि एक डिबेट है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना है, इसके फादर को परमिशन भी दे देते हैं. इसके बाद जोहरा की जो है वो फ्रेंड्स आ जाती हैं, मोहनी और सुरैया, वो इसको बाहर लेके जाती हैं. तो ये विदाउट पर्दा जो है वो बाहर चली जाती है, यानी पर्दे की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक क्लोज सिस्टम होता है कि पर्दा ज़रूरी है, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करती और बगैर पर्दे के जो है वो ये भाग के चली जाती है. जब जोहरा के फुप्पो को कोई ड्राइवर आके बताता है अनवरी को कि जोहरा जो है वो बगैर पर्दे के बाहर गई है, तो ये अपने भाई के घर जाती है और अपने भाई को बताती है कि आपकी बेटी ने जो है वो हमें रुसवा कर दिया है, एटसेट्रा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती ये वो. सो जब ये घर आती है जोहरा, तो महरुन्निसा इसे बहुत ज़्यादा डांटती है, थप्पड़ भी लगाती है. जमालुद्दीन जो है अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता और वो सपोर्ट करता रहता है अपनी बेटी को. इसके बाद जो है वो स्टोरी मूव कर जाती है किसकी तरफ, हबीब और मोहनी की तरफ. हबीब और मोहनी एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं. जब हबीब के फादर को पता चलता है कि हबीब एक हिंदू लड़की में इंटरेस्टेड है, तो वो हबीब को बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ से आग कर दूंगा इफ़ आप मेरी बात नहीं मानेंगे कि मुझे, यानी मोहनी को छोड़ दें, भूल जाएँ उसे, क्योंकि मोहनी हिंदू है और हिंदू और मुसलमान कभी आपस में एक नहीं हो सकते, वो शादी आपस में नहीं कर सकते. मोहनी जो है वो जोहरा की फ्रेंड है.
फिर इसके बाद जो है जोहरा जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच होती है मोहनी के साथ, और मोहनी जो है वो एक लेटर भेजती है जोहरा की तरफ, ठीक है, एक लेटर भेजा मोहनी ने जोहरा की तरफ, और उस लेटर में जोहरा को इसने जो है वो आगाह किया है किस बात से कि मोहनी को अरेस्ट किया गया है, मोहनी को और इसके साथ 10 लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट किया किसी एक मामले में, इश्यूज़ में, इन इन 10-11 लड़के को जो है वो अरेस्ट किया। मोहनी ने जोहरा को लेटर लिखा कि तुम ना इसमें शाया कर दो, न्यूज़पेपर में शाया कर दो, ये वाली चीज़ बात जो है वो पब्लिश कर दो। इसके बाद जो है मोहनी को लेके जाया जाता है कश्मीर, कश्मीर में ये इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और देन मोहनी की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है वो स्टोरी मूव करती है सुग्रा की तरफ, सुग्रा जो है उसकी एंगेजमेंट हो जाती है किसके साथ, मंसूर के साथ इसकी एंगेजमेंट हो जाती है जो कि मुल्तान में रहते हैं, और मंसूर के साथ एंगेजमेंट के बाद कुछ टाइम बाद इनकी शादी भी हो जाती है। सुग्रा जो है वो फॉलो करती होती है पर्दे को भी, सारे सिस्टम को ही फॉलो करती होती है, लेकिन जोहरा नहीं करती। जोहरा जो है वो डिबेट में जो इसने परमिशन लेती है अपने फादर से, ये हिस्सा भी लेती है, एंड देन इसकी फर्स्ट पोजीशन भी आती है और इसके फादर इसको प्राइज़ भी देते हैं, यानी 50 रुपीज़ प्राइज़ में देते हैं, ये इसके फादर से बहुत ज़्यादा खुश होता है जोहरा से। इसके बाद जो है वो जोहरा के लिए भी एक प्रपोजल आता है, इसका फादर जो है वो काफ़ी उसके हक में होता है क्योंकि वो एसी ऑफिसर होता है लाइक, लेकिन ये इससे एग्री नहीं करती जोहरा, वो कहती कि मुझे अभी कैरियर बनाना है एटसेट्रा, सो वो ना उसको रिजेक्ट कर दे, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ये अनवार नाम था उसका, अनवार को कहते कि तुम ना ऐसे कर लो, मेरी एक दोस्त है नजमा, मतलब उसको डाइवोर्स हुई है, तुम ना उससे शादी कर लो। उस बाद उससे उसको बहुत गुस्सा आता है, भी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ उससे, सो वो उससे जो है वो डिसएग्री हो जाता है इससे, और इसको इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। इसके बाद जो है वो जो इसका भाई होता है हबीब, यानी मोहनी की तो डेथ हो गई ना, जिसकी वजह से हबीब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी होता है, तो इसके बाद वो नजमा को कंसोल करता है, मतलब कि इसके बाद वो चाहता है कि मैं नजमा से शादी कर लूँ, ये प्रपोजल भी भेजता है नजमा की तरफ। इसकी माँ तो पहले नहीं मानती होती यानी हबीब की, लेकिन उसके बाद जो वो एग्री कर जाती है, प्रपोजल लेके जाती है, और जो यानी नजमा होती है वो पहले तो वो भी मना कर देती है, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रपोजल, और देन हबीब और उसकी कुछ टाइम बाद जो है वो शादी हो जाती है। जोहरा जो है वो हर डिबेट जो है वो अगेन किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करती है, फिर वो विन कर जाती है, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। सुग्रा भी इन्वॉल्व हो जाती है पॉलिटिक्स में, वो अपने हस्बैंड को इन उसका एक बेटा पैदा हो जाता है, खालिद उसका नाम रखती है, और वो उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद ना कुछ सालों बाद उसको जो है वो टाइफाइड हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, और ये ब्लेम करती है, सुग्रा ब्लेम करती है अपने हस्बैंड मंसूर को इसके लिए कि ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे बेटे की डेथ की, इसके बाद डेथ का सबब यही बना। देन ये अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है अपने कज़न के पास, फहमीदा के पास, ये वहाँ पर जो है किसी के साथ रिलेशन में पड़ जाती है सुग्रा, लेकिन इनका रिलेशन जो है वो कामयाब नहीं होता। इसके बाद ये वापस आ जाती है सुग्रा, एंड देन जोहरा जो है वो एक कॉलेज में टीचिंग करना स्टार्ट कर देती है, इन अपना कैरियर बनाना स्टार्ट कर देती है, इसके व्यूज़ थोड़े चेंज हो जाते हैं, इन कांग्रेस को ये पार्ट मतलब पहले सपोर्ट करती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये मुस्लिम लीग की तरफ चल जाते हैं, मतलब कि इसका थोड़ा बहुत जो है वो कंसेप्ट मुस्लिम लीग की तरफ आ जाता है, और यानी ये स्टोरी जो है ऑटोमेटिकली हमें नज़र आया कि ये प्री पार्टीशन जो है वो स्टोरी दिखाई गई है 1942 to 47 प्री पार्टीशन। फिर उसके बाद जो है वो स्टोरी जोहरा की तरफ ही मूव करती है, जोहरा जो है वो यानी कॉलेज में अब उसकी जॉब भी हो गई है, देन ये वहाँ पर ना इंटरेस्टेड हो जाती है एक लड़के में, लाइक अहमद उसका नाम होता है, वो इसमें इंटरेस्टेड हो जाती है, ये दोनों आपस में लव करते हैं, लेकिन जो जोहरा के पेरेंट्स हैं वो इस इनकी शादी के हक में नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो अहमद है इसका फादर ये क्लर्क होता है, सो यानी ये पुअर क्लास से जो है इसका ताल्लुक होता है, तो इसका फादर इस बात के लिए एग्री नहीं करता कि मेरी बेटी की शादी किसी पुअर मैन से हो। सो जोहरा जो है इस बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि मेरी शादी क्यों अहमद से नहीं हो रही, तो ये अपने पॉलिटिक्स पर भी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही होती, ये इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती, तो इसका फादर मजबूरन उसको मानना पड़ता है और वो इनके इसके फैसले से जो है वो एग्री कर जाते हैं, और इन दोनों की अहमद और जोहरा की भी शादी हो जाती है कुछ टाइम बाद। इसके बाद जो है स्टोरी मूव करती है सुग्रा की तरफ, अब सुग्रा जो है उसे पता चलता है कि मंसूर ने उसके नेम का स्कूल बिल्ड करवाया है गर्ल्स, एंड एक हॉस्पिटल भी बिल्ड करवाया है, तो उसे ना इसके दिल में भी मंसूर के लिए फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और देन ये मंसूर के पास मुल्तान में वापस चली जाती है, तो यहाँ पर ये नॉवल एंड कर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट से समरी इस नॉवल की, और इस नॉवल में ओवरऑल था क्या, ये बेसिकली दो फैमिलीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को दिखाया गया था इस स्टोरी में, हमने जैसे देखा हिंदू और मुस्लिम, और ये स्टोरी प्री पार्टीशन है यानी पार्टीशन से पहले की स्टोरी है,
अब ये जो टाइटल है हमारे पास द हार्ट डिवाइडेड, यानी इसमें अब दो दिल जो है वो डिवाइड हुए हुए हमें नज़र आए। लाइक मोहनी और हबीब की अगर हम स्टोरी देखें तो वो हिंदू थी, मोहनी हिंदू थी और हबीब जो है मुस्लिम, सो इस वजह से इनकी शादी नहीं, ये सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से ये सारी सारी स्टोरी, आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो से ये शॉर्ट समरी आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।